बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल PA Birds। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप और आपके परिंदे अल्लाह पाक के रहम करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की मेरी वीडियो जो बन रही है या बनने जा रही है वो है एग्ज़िबिशन बजरी के ऊपर, टॉप क्लास एग्ज़िबिशन बजरी। मेरे पास एक पेयर है, वो मैं आपको प्रॉपरली जो है वो उस पेयर का मैं दिखाता हूँ आपको। और उसने मेरे पास ब्रीड भी की है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी ब्रीड की है और टॉप क्लास बच्चे दिए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा क्लच मेरे पास उसने दिया है। और बजरी जो है एग्ज़िबिशन बजरी जो है वो क्या खाते हैं और उनकी खुराक और डाइट क्या है और वो मटकी पसंद करते हैं या बॉक्सेस पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना खूबसूरत टॉप क्लास और हाई क्वालिटी एग्ज़िबिशन बजरी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी दोस्तों, तो ये मेरा है एग्जीबिशन बजरी और आपने माशाल्लाह कहना है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और टॉप क्वालिटी का जो एग्जीबिशन का मेरा ये पेयर है। और जैसा कि आप पहले वीडियो की शुरू में देख चुके हैं इंट्रो में, तो ये अभी सुबह का टाइम है जब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मेरा एक पेयर है। मैंने एक दोस्त से लिया था और ये ब्रीडर पेयर था, तो उस वक्त इसके जो है वो चार बच्चे इसके नीचे थे, छोटा सा बॉक्स था, तकरीबन कोई 5x5 का छोटा सा बॉक्स था, उसमें इसने जो है वो बच्चे दिए हुए थे चार बच्चे, तो बच्चों समेत जो है मैं ये लेके आया था एग्ज़िबिशन बजरी। तो इसने पहले मुझे ज़रा डर खौफ था कि पता नहीं ये बच्चों को फीड कराता भी है कि नहीं कराता, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं इसको अपने पास लाया तो इसने माशाल्लाह से फीड कराना शुरू कर दिया और वो चार बच्चे जो है इसने माशाल्लाह बड़े कर दिए अल्लाह के रहम करम से। तो वो बच्चे जो है पिछले जो क्लच था तो उसमें जो है वो उसने चार बच्चे दिए थे, तो बच्चों को थोड़ा सा क्योंकि गर्मियों का मौसम था, तो देखें ये इसकी क्वालिटी देखें, ये मेल है माशाल्लाह। तो बच्चे जो है वो एक बच्चा जो है वो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा सका क्योंकि गर्मियों का मौसम था, तो फीड की जो है वो तब्दीली भी ज़रूरी होती है, जो गर्म जो दाना मिक्स दाना होता है उसको जो है हमने तब्दील करना होता है गर्मियों में ख़ास तौर पर, तो वो बस मुझसे थोड़ा मिसहैंडल हुआ, तो एक बच्चा जो है वो उसको मोशन लग गया और वो एक्सपायर हो गया। तीन बच्चे अभी फ़िलहाल मेरे पास हैं और एक बच्चा जो है उनमें से दो को जब मोशन लगे तो एक बच्चा एक्सपायर हो गया और दूसरा जो है वो मैंने उसको प्रॉपर उसको देख लिया और इसका जो मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वीक तो कमज़ोर तो वो हो गया था लेकिन उसको मोशन ख़त्म हो गए और अब वो वापस से रिकवरी की तरफ आ रहा है। मैं इसको जो पहला क्लच के जो दो बच्चे थे, तीन बच्चे या चार बच्चे थे, एक तो खैर वो मर गया, वो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद उसकी जो सेकंड क्लच की जो ब्रीड थी तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और चलिए मैं आपको उसकी जो पहले क्लच का जो बच्चे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने साथ में ही दूसरे पिंजे में रखे हुए हैं, ये देखें, ये भी बिल्कुल पेरेंट्स की तरह माँ बाप की तरह हैं। तो ये फीमेल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसकी लुक देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें, और ये जो है ये देखें ये मेल है और बहुत ही खूबसूरत है, इसकी मास्किंग देखें और इसका ये माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे साइज़ के हैं। जब इसको हाथ में पकड़ते हैं तो महसूस होता है कि हाँ कोई बजरी नहीं, हमने कोई लव बर्ड जो है वो हाथ में उठाया हुआ है। अभी ये पेयर जो है मेरे पास, इसकी जो पहले क्लच के जो चार बच्चे थे ये वही उन में से जो एक पेयर बना है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बॉन्डेड पेयर हो गया है। और इस सीज़न में जो है अभी चूँकि जून का एंड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसमें तकरीबन जो है अभी आने वाले सीज़न में मैं इनको एक बॉक्स दे दूँगा और इंशाल्लाह ये ब्रीड पे आ जाएंगे।
क्योंकि मैंने इनको देखा है और फीड भी ये एक्सचेंज करते हुए मैंने इनको देखा है, बॉन्डेड पेयर है ये। तो तकरीबन जो है वो मैं इनको अगस्त के दरमियान में या अगस्त के एंड में जो है वो मैं इनको बॉक्स और नेस्टिंग मटेरियल दे दूंगा, तो इंशाल्लाह जो है ये ब्रीड पर आ जाएंगे। अच्छा, ये एक जोड़ा है जो इसके पहले क्लच का था, और इसी के साथ ही ये देखें, ये इनको मोशन लगे थे दो को, एक तो वो मर गया, और ये जो है अभी इंशाल्लाह ये अभी माशाल्लाह रिकवरी की तरफ है। इसको मोशन तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इसकी शरारतें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। इसको मैंने एक अलग जो है हॉस्पिटल केज में मैंने रखा हुआ था, इसका दाना पानी और सारा कुछ इसको अलग से ही मैं दे रहा हूँ, और इसकी ट्रीटमेंट भी चलती रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मेडिसिन जो है वो मैंने इसको बंद कर दी है, मोशन इसके जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और ये अलग से जो है ये अपना दाना और सॉफ्ट फूड जो है वो खा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवरी की तरफ आ रहा है। तो मकसद ये था कि परिंदों को जहर वाली बात है, जैसे इंसानों में होती हैं बीमारियां होती हैं, परिंदों को भी बीमारियां आ जाती हैं, तो इसकी टाइम के ऊपर जो अगर देखभाल की जाए तो आपके परिंदे बच जाते हैं। तो चलिए वापस जो है वो अपने पेड़ की तरफ आते हैं। ये तो थी इसकी पहली ब्रीड जो थी। अब जो है इसने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेकंड ब्रीड की थी, तो अभी से मैंने इसके जो है वो बॉक्सेस मैंने उतार दी हैं, तो इंशाल्लाह एक महीना जो है वो मैं इनको पूरा डेढ़ महीना रेस्ट दूंगा, और इंशाल्लाह अगस्त के दरमियान में या अगस्त के एंड में जो है वो फिर दोबारा से मैं इनको बॉक्सेस और दे दूंगा, तो इंशाल्लाह ये दोबारा अंडे और ब्रीड पर आ जाएंगे। और इसकी जो सेकंड ब्रीड थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे पहले देख चुके हैं, तो इसकी सेकंड ब्रीड माशाल्लाह से ये देखें, चार इसने बच्चे दिए हैं। हर क्लच में ये पांच अंडा है, और जो है वो चार बच्चे जो है वो प्रॉपर निकलते हैं। ये देखें, ये इसके बच्चे हैं, चार बच्चे। अच्छा, आप ये तीन बच्चे ये हैं, और ये चौथा बच्चा है। सेम कलर है, सेम वालिदान की तरह इनका कलर है, और माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत जो है इनके कलर हैं। अभी सुबह का टाइम है, क्योंकि कपड़ा जो मैंने थोड़ा सा जो फ्रंट पे कॉलोनी में था वो मैंने हटा के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसके बगैर जो है वो अंदर अंधेरा हो जाता है, इस तरह जो साफ परिंदा जो नज़र नहीं आता, तो इसलिए ये थोड़ी सी धूप इनको लग रही है और ये हाँप रहे हैं। एक ये है खूबसूरत। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तीन जब चार बच्चे दिए हैं पहले क्लच में, तो सेम जो है वो कलर था इनका। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इन्होंने चार बच्चे दिए हैं, इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इसमें ये जो अंदर बैठा हुआ है ये रेड आइज में है, एक जो पीस है इसमें से रेड आइज निकला है, और इसका कलर भी है वो मुख्तलिफ है। मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये देखें, ये इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा शेड जो है वो आ रहा है, लेकिन है ये माशाल्लाह रेड आइज। ये देखें, ये जो इनके पेरेंट्स की तरह जो इनके पर के ऊपर जो है वो बड़े बड़े डार्क डॉट्स थे, वो माशाल्लाह हैं तो थोड़े थोड़े हैं, अभी क्लियर हैं, लेकिन ये है कि ये बच्चा जो है माशाल्लाह रेड आइज है, लेकिन अगर उन चारों में ये बैठा हुआ हो तो ये उनसे सबसे मुख्तलिफ नज़र आता है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक जो है वो इनमें बरकत डाले, और आपसे भी ही रिक्वेस्ट है कि आप भी जब किसी की चीज़ देखें तो आप माशाल्लाह ज़रूर कहें, और तो आप भी ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह इनमें बरकत डाले, और तमाम दोस्तों ने जो रखे हुए हैं तो उनमें अल्लाह पाक बरकत डाले और उनको रोज़ी में जो है वो इजाफे का ये चीज़ें ये बायस बने। अच्छा जी, बाकी अब चलते हैं इसकी खुराक की तरफ चलते हैं। तो खुराक ये वही है जो लवबर्ड वगैरह खाते हैं, बस इसकी गर्मी सर्दी जो है वो देखी जाती है कि गर्मी में जो गर्म दाना होता है वो उसको ख़त्म किया जाता है, ठंडा दाना दिया है, और बाकी जो है वो सॉफ्ट फूड जो है वो ये मैंने काले वगैरह भिगो के थोड़ी सी इसमें गंदम दाल, हरी दाल भी वो हफ्ते में मैं दो या तीन बार इनको दे देता हूँ, और बाकी जो है गर्मी का जैसे मौसम है तो इसकी पानी का भी इंतहाई ख्याल रखा जाता है, दो दिन में एक बार या दो बार जिसका पानी भी तब्दील किया जाता है। और ग्रीन फूड में जो है वो धनिया और पुदीना और थोड़ी सी पालक जो है वो हफ्ते में दो बार दी जाती है, पालक ज़्यादा दिन पे इनको फिर पोषण लगने का ख़तरा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे पेड़ हैं ये पसंद आए होंगे,
और अगर वो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा प्यार पसंद आया हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे जो है वो कमेंट कर दीजिएगा और अपना और अपने फ्रेंडों का जो है वो ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।